गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू हिमाचल एक्स नड्डा, दिस इज रजत चौहान। दोस्तों आज हम ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल का क्या काम होता है? दोस्तों ड्रिल का काम होता है मतलब किसी चीज़ में छेद करना, होल करना। जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ हो या लकड़ी की चीज़ हो या कंक्रीट हो या पत्थर हो, उसमें छेद करने के लिए हम ड्रिल का यूज़ किया जाता है। और ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन प्रेशर और स्पीड। जितनी स्पीड होगी और जितना इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा उतने अंदर जाके होल करेगी। और इसकी बीट जो होती है वो ये जो कार्बाइड टिप्ड होती है, टिप्ड होती है। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम हाई कार्बन स्टील की बीट यूज करते हैं। हाई कार्बन स्टील की बीट, हाई कार्बन स्टील की बीट यूज करते हैं। और फार हार्ड मटेरियल के लिए फार हार्ड मटेरियल के लिए हाई स्पीड स्टील यूज करते हैं। तो उसको राइट कर लो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिल। कितने टाइप्स की होती है ड्रिल? टाइप्स ऑफ ड्रिल, टाइप्स ऑफ ड्रिल, थ्री टाइप की होती है ड्रिल आपकी। एक फ्लैट ड्रिल होगी, इसका कटिंग एंगल समकोण पे होता है। पहली होगी फ्लैट ड्रिल जिसका कटिंग एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब समकोण पे होता है। हिंदी में लिखते हैं समकोण पे होता है, समकोण पे होता है, समकोण पे होता है। और ये और इसका जैसे वुड में सुराख करना, प्लास्टिक वाली चीज़ में सुराख करना, वहाँ पे यूज़ की जाती है। उसका लीप क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री होता है। लीप क्लियरेंस एंगल एंगल 8 डिग्री होता है। लीप क्लियरेंस एंगल ये होता है, ये जो गैप आता है ना बीच में, इसको बोलते हैं लीप क्लियरेंस एंगल। लीप क्लियरेंस एंगल कितना साफ एंगल है इसका, इसको बोलते हैं। अब स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूट मुरली की तरह, मतलब फ्लूट की तरह होती है मुरली। फ्लूट का मतलब मुरली, सीधी होती है ऐसे, स्ट्रेट होती है ऐसे, ऐसे स्ट्रेट होती है ऐसे, ऐसे ऐसे होती है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट की तरह। और इसका रैक एंगल 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल सीधी होती है। रैक एंगल के हम बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम ट्विस्ट ड्रिल, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम ट्विस्ट ड्रिल ही यूज़ किया जाते हैं। ये होती है ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ये है ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। जिससे हर चीज़ काट जाती जा सकती है, जैसे वुड, प्लास्टिक, कंक्रीट, कोई हार्ड चीज़ या सॉफ्ट चीज़ भी काट सकते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक टेपर सैंक ड्रिल होती है और एक होती है आपकी स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल। टेपर सैंक ड्रिल जो होती है मतलब कोई चीज़, जैसे ये आपकी टेपर सैंक ड्रिल लिखी मैंने, सैंक ड्रिल, मतलब किसी चीज़ का होल इंक्रीज करना। होल इंक्रीज के लिए इस ड्रिल का ही यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ के होल का डायमीटर ज़्यादा बढ़ाना, उसके लिए हम टेपर सैंक ड्रिल यूज़ करते हैं। और स्ट्रेट स्ट्रेट कौन सी ड्रिल बताई? स्ट्रेट सैंक ड्रिल। ये मैक्सिमम इसमें होल को कम होल के लिए यही यूज़ किया जाता है, में लेस होल, होल कम करने के लिए ड्रिल। और ये मैक्सिमम ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं इसको, ब्लैक स्मिथ
यूज करते हैं। और ये टेपर से रियल मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन, जैसे आप किसी वायरिंग कर रहे हैं किसी भी मतलब घर में, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में सप्लाई भेजनी हो, तो मतलब दीवार में छेद करने के लिए टेपर सैंग ड्रिल का यूज़ किया जाता है, इसको याद रखना है। और स्ट्रेट सैंग ड्रिल का यूज़ ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं, जैसे लोहार वगैरह लकड़ी में छेद करना चाहिए, कोई खिड़की बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, तो उसमें नट बोल्ट को कसने के लिए, छोटे छोटे नट बोल्ट को कसने के लिए इस ड्रिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अब इनके हम एंगल पढ़ेंगे, एंगल एंगल कितना होता है, जैसे पॉइंट एंगल सॉफ्ट मटेरियल के लिए 118 डिग्री होता है फॉर सॉफ्ट मटेरियल, और 135 डिग्री होता है फॉर हार्ड मटेरियल के लिए। नहीं आते। अब बढ़े हैं हेलिक्स एंगल क्या होता है, हेलिक्स हेलिक्स एंगल है लिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेलिक्स एंगल, इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है जैसे हार्ड मेटल के लिए कितना एंगल यूज करते हैं हम। हार्ड मेटल के लिए पहला है आपका हार्ड मेटल के लिए, हार्ड मेटल कौन है, जैसे डक्टाइल हो गई चीज, कोई सॉलिड चीज हो गई, जैसे डक्टाइल वाली जिसकी डक्टाइलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कोई सॉलिड चीज कंक्रीट, उसका एंगल होता है आपका 10 डिग्री टू 113 डिग्री, 10 डिग्री टू 30 डिग्री। और नॉर्मल मेटल के लिए जैसे कार्बन वगैरह हो गया आपका, कार्बन वगैरह में आपका 18 डिग्री टू 30 डिग्री होता है, 18 डिग्री टू 30 डिग्री। और जैसे सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मटेरियल मटेरियल के लिए 35 डिग्री टू 40 डिग्री, इसमें इसका एंगल इंक्रीज हो जाता है। और जैसे हार्डनेस कम होगी एंगल उतना उतना इंक्रीज होता जाएगा, याद रखना, मतलब जैसे जैसे हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी एंगल उतना इंक्रीज होता जाएगा, ये याद रखना भाई। एक बात अब आपका ऐसे मतलब हेलिक्स एंगल जो होता है ना ऑलमोस्टली ऑलमोस्ट 32 डिग्री होता है, वो 32 डिग्री होता है, इसको राइट कर लो सर दोस्तों। और अब आपका है कौन सा टॉपिक है अब तो, और रैक एंगल मैक्सिमम, हाँ एक टॉपिक रह गया था रैक एंगल, रैक एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री टू 450 डिग्री होता है, और 30 डिग्री पर ये मैक्सिमम हो जाता है, एंड मैक्सिमम एंड वाइब्रेट करने लग पड़ती है आपकी ड्रिल, वाइब्रेशन लग पड़ती है एंड, तो याद रख लेना। रुको मैं आपको ड्रिल, ये है इसकी बिट, ये शायद हाई कार्बन स्टील की बनी है, हाई स्पीड स्टील की तो हो नहीं सकती है, ऐसे मटेरियल यूज़ किया है इसमें, देखो ट्विस्ट टाइप ड्रिल है। और ये आपकी सॉरी ये ड्रिल है आपकी, ये बिट है, और ये चक है इसका, यहाँ पे इसको फंसाया जाता है, और चाबी रखी है वहाँ पे प्लस निशान की होती है, उसे इसको टाइट किया जाता है। और इसमें एक यूनिवर्सल मोटर है, इसका आर्मेचर हाई स्पीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका, और इसमें दो कार्बन ब्रश लगे हैं जो करंट को पहले करंट करंट से मतलब करंट मतलब सप्लाई उन्हीं के दौरान आती है और कम्यूटेटर पे जाती है, कम्यूटेटर लगा यहाँ पे होता है कम्यूटेटर, पीछे कम्यूटेटर कम्यूटेटर, यहाँ पे एसी बनती है तो वो आगे डीसी देगा, ऐसा कुछ फंड होता है इसमें, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और इसमें यूनिवर्सल मोटर होती है, और कभी भी इसको 2 या 3 मिनट से ऊपर नहीं चलाना चाहिए ना, तो ये जल जल सकती है क्योंकि इसकी स्पीड हाई होती है, टॉर्क अच्छा होता है। और ग्राइंडर वगैरह हो गया, मिक्सी हो गया, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है। और दोस्तों मुझे आपसे एक बात कहनी है, दोस्तों मैंने ये चैनल क्रिएट किया है हिमाचल इलेक्ट्रिशन अड्डा, इसमें मैं आपको हिमाचल इलेक्ट्रिशन मतलब इलेक्ट्रिशन आईटीआई के बारे में बताऊंगा, और हिमाचल जी के भी, और दोस्तों
प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने चैनल तो क्रिएट कर दिया, पर मेरे को सपोर्ट किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किया करो। धन्यवाद। थैंक यू।